हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन शॉपिंग रिजल्ट में। और आज हम यहाँ पे बटरफ्लाई स्टार्टर किचन सेट है उसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे प्रेशर कुकर है 3 लीटर का, और यहाँ पे आपको नॉनस्टिक तवा है, नॉनस्टिक फ्राई पैन है और नॉनस्टिक कढ़ाई है जिसके साथ आपको ग्लास प्लेट भी मिलता है। तो ये प्रोडक्ट बटरफ्लाई के कंपनी ने मैन्युफैक्चर करा है और उसी की पैकिंग में यहाँ पे हमको अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से और मेरे को फ्लिपकार्ट की पैकिंग नहीं मिली है, बटरफ्लाई की खुद की पैकिंग मिली हुई है। यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी है, ISI मार्क्ड है। और बाकी यहाँ पे आपको इनके बाकी कंपोनेंट्स की जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि प्रेशर कुकर की आप बात करें तो यूनिक फीचर यहाँ पे लिखे हैं, नॉनस्टिक कुकवेयर की बात करें तो यूनिक फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसा कि मुझे ऑनलाइन दिखा था कि प्रेशर कुकर पे उन्होंने बोला था कि ये भी नॉन मतलब इंडक्शन पे चल जाएगा और नॉनस्टिक है, तो वो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम है और यहाँ पे मेंशन नहीं है यूनिक फीचर के अंदर। यहाँ पे नॉनस्टिक कुकवेयर के यूनिक फीचर के अंदर लिखा हुआ है कि गैस एंड इंडक्शन कंपेटेबल, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है प्रेशर कुकर के नीचे। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें वाकई में जो चीज़ हमें ऑनलाइन बोली है वो मिली है कि नहीं। इसके साथ मेरे को ये कुछ अटैच करके दिया है इन्होंने, वो भी देख लेते हैं। ये इसका इनवॉइस है, तो इनवॉइस इन्होंने ऐसे अटैच करके दिया है कि मतलब कोई भी निकाल ले। बाकी इसके साथ पहले एक मैनुअल है हमारे पास कि इसमें सारा कुछ है। ये 2 ईयर वारंटी कार्ड है जो कि प्रेशर कुकर का है, और किचन सेट का आई थिंक उसमें 1 ईयर वारंटी है, वो अभी देखेंगे आगे वीडियो में। पैकिंग अंदर तो अच्छी है लेकिन बाहर से इतनी खास मुझे लगी नहीं थी, अंदर काफ़ी एडजेक्टिव मतलब नया ही है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वापस खोल के वापस पैक किया हो। कुकर है, मुझे तो लग रहा है इंडक्शन कंपेटेबल है ये, बट वहां पे बाहर डब्बे पे मेंशन नहीं था। मुझे तो यूज करना भी नहीं आता, अलग ही है कुछ। एक और कार्टन है कोकिंग, इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको हटा दे। और ये है किचन का स्टार्टर सेट जिसका यहाँ पे मेंशन है कि 1 ईयर वारंटी है, तो कुकर के साथ आपको 2 ईयर की वारंटी मिल रही है यहाँ पे और इसकी 1 ईयर वारंटी मिल रही है। और यहाँ पे आपको काफी सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जो कि इसमें MRP, इसकी पैकिंग डायमेंशन, कैपेसिटी, मतलब कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर वारंटी का है इसमें, तो वो आप देख सकते हैं। अभी इसको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर इतना कॉम्पैक्ट पैक कैसे करके दिया है इन्होंने इतना सारा आइटम। इसके अंदर आपको तवा, फ्राइंग पैन और कढ़ाई और एक ग्लास लेड भी मिलेगा, तो काफी परफेक्ट पैकिंग करी है इन्होंने। ये शायद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये इसकी सीटी, कुकर की सीटी अटैच आई है जो कि मिस हो गई, तो देख लेते हैं इसको भी।
फाइनली लग गया है। कुकर को साइड में रख देते हैं और बाकी ये सब मैनुअल देखते हैं पहले अनबॉक्स करने के बाद। इसमें हैंडल असेंबली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और कढ़ाई का और तवे का। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आपको अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं कि इंडक्शन पे कैसे यूज़ करना है तो इसमें सब कुछ मेंशन है और वारंटी कार्ड है, 1 ईयर वारंटी कार्ड इसके साथ। अभी देखते हैं इसका, ये है ग्लास लिड जो कढ़ाई के ऊपर ढकने के लिए है। काफ़ी क्लियर है और क्वालिटी भी ठीक लग रही है मुझे। बाकी इसको खाना पकाते टाइम ऊपर ना रखें, क्योंकि मैंने रिव्यू में पढ़ा था इसके कि कुछ मतलब लिड चटक गया था किसी का या कुछ ऐसा, तो उसका थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको। ये कढ़ाई है, अच्छा वो जो पेपर है ना उस पर जो मेंशन करा है तो वो ये फिक्स करने के हैं, इसके साथ ये अलग से दिए इन्होंने, पेज इसी में लगा हुआ है तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा खोल। तो अभी हम फिक्स नहीं करते हैं लेकिन बाद में करेंगे, तो अभी यहाँ साइड में रख देते हैं। ये भी इंडक्शन के लिए है और गैस पे भी ये अच्छे से काम करेगा। तो बटरफ्लाई रैपिड नॉन स्टिक कुकवेयर का टैग लगा है, काफ़ी स्मूथ है, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मेरे को ये 1400 का पड़ा है पूरा, तो उसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो कि नीचे से कहीं स्क्रैच हो या फिर कुछ ऐसा हो या हाथ में कहीं चुभ रहा हो, तो वो कहीं नहीं है, स्मूथ है काफ़ी। ये फ्राइंग पैन और तवे का हैंडल है, तो ये भी अभी साइड में रख देते हैं। उन्होंने ये सब अनअसेंबल करके अलग रखा है, इसलिए इतना कॉम्पैक्ट पैक करके दिया है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बाकी इसकी क्वालिटी तो तब पता लगेगी जब इंडक्शन पे हम चलाएंगे, तो अभी चला के भी देखेंगे इंडक्शन पे, क्योंकि तो ये कंपेटेबल है भी है या सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये तवा है अपना। तो अभी मैं यहाँ पे आपको इंडक्शन पे चला के भी दिखा देता हूँ, और इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं और इंडक्शन को थोड़ा आगे ले आते हैं। पहले कुकर को इंडक्शन पर रखते हैं और देखते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं। इट्स वर्किंग फाइन, मींस कुकर तो ठीक काम कर रहा है। अभी हम तवे को रख के देखेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए तो। अगर ये कुकवेयर इसका कुक बेस जो है इसका कुकर का इंडक्शन के लिए नहीं होता तो वो चलता नहीं है, ऐसे बीप करने लगता। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे वापस से कनेक्ट हो गया वो मतलब चल रहा है ठीक। हीट आ रही है, अच्छा गर्म भी हो रहा है। अभी हम देखते हैं तवा रखते हैं, तवा भी ठीक काम कर रहा है, बट इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगा क्योंकि इस पर स्टीकर लगा है तो मुझे छुटाना है पहले, तो थोड़ा सा गर्म करके छूटता है। तो ये भी वर्किंग है, सही काम कर रहा है। अभी हम फ्राई पैन को देखते हैं, ये भी सही काम कर रहा है। बाकी तो इसका भी बेस ही सेम है, सबका बेस एक जैसा ही है, गर्म हो रहा है तो ये काफ़ी गर्म हो गया है मतलब, तो सबका बेस एक जैसा है तो काम तो करेगा इंडक्शन। तो ऑनलाइन रिव्यूज़ पे ना जाए जिस पर वो बोल रहे हैं कि इंडक्शन पे नहीं चल रहा है या कुछ है। मेरा जो रिव्यू है वो एकदम जेन्युइन है, आपके सामने है, तो आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।